यो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सभी का दोस्त और इस चैनल का होस्ट मोनिश हरवानी। दोस्तों, आप में से कई लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सेल में हम कौन सा स्मार्टफोन परचेस करें जो फ्लैगशिप लेवल का हो, अच्छी परफॉर्मेंस दे, जिसमें गेम अच्छे से खेल सकें, जिसका कैमरा बढ़िया हो। तो दोस्तों, इस वीडियो का प्राइसिंग लगभग होने वाला है 25,000 से 35,000 के आसपास, और एक स्मार्टफोन है जो लगभग 40,000 के आसपास है। और दोस्तों, एक ऐसा स्मार्टफोन है जो आपको फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस देगा, वो भी बजट सेगमेंट से भी कम प्राइस रेंज में। उसका लगभग प्राइस होने वाला है 15,000 के आसपास। तो आज मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए पिक की है टॉप 8 फ्लैगशिप स्मार्टफोन जो कि फ्लिपकार्ट सेल पे जाने वाले हैं 23 से 27 जून को। और दोस्तों, जो फ्लिपकार्ट के प्लस मेंबर्स हैं उनके लिए ये सेल 22 जून शाम के 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको इन सारे स्मार्टफोन्स पे 10% HDFC का बैंक डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको डेबिट, क्रेडिट और EMI ट्रांजेक्शन सब पे देखने को मिलेगा। और इस डिस्काउंट की मैक्सिमम प्राइस होगी 1500 रुपीज़। दोस्तों, मुझे पता है कि ये 1500 रुपीज़ की बात आपको किसी भी यूट्यूबर ने अभी तक बताई नहीं होगी। और हाँ, अगर मैं पहला बंदा हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले स्मार्टफोन से, वो है सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। सामने की तरफ 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा। इसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ऊपर की तरफ एक पंच होल है जिसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। दोस्तों, रियर में आपको 48+12+5 मेगापिक्सल की तीन कैमरा देखने को मिलेंगे, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है विद OIS सपोर्ट, जिसमें आप काफ़ी स्टेबल वीडियो शूट कर सकते हैं। और इसमें आपको लाइव वीडियो का भी मोड दिया गया है, जिसमें आप DSLR टाइप बैकग्राउंड ब्लर करके भी वीडियो शूट कर सकते हैं। दोस्तों, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है। इसमें आपको 6+128GB की स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको आप 1TB तक एक्सपांड कर सकते हैं। दोस्तों, यही था सैमसंग का नोट। दोस्तों, जो हमारा अगला फ़ोन है वो काफ़ी इंटेंस गेमिंग और कैमरा परफॉर्मेंस के लिए बनाया है, वो है दोस्तों वीवो का वीवो iQOO 3। इसका प्राइस अभी फ्लिपकार्ट सेल पे होने वाला है 33,000। इस पर आपको 10% अप टू 1500 का HDFC बैंक डिस्काउंट देखने को मिलेगा। बात करते हैं अभी इसकी स्पेसिफिकेशंस करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 865 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसमें आपको 8GB की रैम विद LPDDR5, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, UFS 3.1 वाली स्टोरेज देखने को मिलेगी। दोस्तों, इसमें आपको रैम और स्टोरेज दोनों काफ़ी हाईली अपग्रेडेड लेवल के देखने को मिलते हैं। इसमें आपको 6.64 इंचेस का फुल HD प्लस 180 हर्ट्ज़ वाला रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो आपको फ्रंट और बैक दोनों साइड में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। दोस्तों, इसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है और ऊपर की तरफ पंच होल में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। दोस्तों, रियर में आपको 48+13 मेगापिक्सल + 13+2 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरास देखने को मिलेंगे। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 13 मेगापिक्सल का 20x डिजिटल जूम वाला टेलीफोटो लेंस है, तीसरा कैमरा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है और चौथा 2 मेगापिक्सल वाला डेप्थ सेंसर है। दोस्तों, इसमें आपको कार्बन फाइबर वेपर की कूलिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जो कि आपके फ़ोन को काफ़ी जल्दी ठंडा कर लेगा। और क्योंकि स्क्रीन भी एमोलेड दी गई तो फ़ोन आपका इतना हीटअप भी नहीं होगा। इसमें आपको 4440mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि आप 55W फास्ट चार्जर से बहुत ही जल्दी इस बैटरी को चार्ज कर पाएंगे। दोस्तों, इसमें 2 डेडिकेटेड बटन दिए गए हैं ऊपर की तरफ गेमिंग के लिए, ताकि आपको गेमिंग परफॉर्मेंस में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आए। दोस्तों, अगर आपको फ़ोन लेना है गेमिंग के लिए तो आप ये फ़ोन ये प्राइस में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कैमरास भी बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगला जो फ़ोन आता है वो है रियलमी की तरफ से रियलमी X2 प्रो। दोस्तों, ये फ़ोन थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन इसकी स्पेसिफिकेशन आज भी तगड़ी है अपने प्राइस पॉइंट पे। दोस्तों, इसका प्राइस फ्लिपकार्ट होने वाला है 30,000 फॉर 6GB और 64GB वाले वेरिएंट के लिए। इसमें आपको 4,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा एक्सचेंज पे और 1500 डिस्काउंट इंस्टेंट देखने को मिलेगा HDFC बैंक कार्ड पे। दोस्तों, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा और इसमें आपको 3 स्टोरेज वेरियंट देखने को मिलेंगे, 6+64GB, 8+128GB, 12+256GB। दोस्तों, जो 12+256GB वाला वेरियंट है उसमें आपको 3.1 UFS स्टोरेज देखने को मिलेगी और बाकी दोनों वेरियंट्स में आपको नॉर्मल स्टोरेज देखने को मिलेगी। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड 90 हर्ट्स रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा और आपको फिंगरप्रिंट भी अंडर डिस्प्ले ही दिया गया है। और सामने की तरफ आपको एक नॉच देखने को मिलेगा, जिसमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। दोस्तों, इसमें आपको रियर में 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा,
13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा, जिसमें आप 20x डिजिटल जूम वाली भी फोटोज़ भी शूट कर सकते हैं। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। दोस्तों जो 64 मेगापिक्सल वाला मेन कैमरा है उसमें आप लाइव वीडियोस भी शूट कर सकते हैं विद बैकग्राउंड को ब्लर करके, जैसे आप DSLR में वीडियो शूट करते हैं। दोस्तों इसमें आपको फ्रंट और बैक दोनों ही साइड में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। और बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी दी गई है विद 50W की सुपर वूक चार्जिंग टेक्नोलॉजी। दोस्तों इसमें आपको वेपर कूलिंग टेक्नोलॉजी दिया गया है और इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस भी दिया गया है। इसमें आपको 3.5mm ऑडियो जैक भी है, तो आप म्यूज़िक और चार्जिंग दोनों एक टाइम पे इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी वीडियोस बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है, तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना। दोस्तों मैं कल ही टॉप बजट स्मार्टफोन्स ऑन फ्लिपकार्ट पे वीडियो लेके आने वाला हूँ, जो कि यही सेल में आपको काफ़ी अच्छे प्राइजेस पॉइंट पे देखने को मिलेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। दोस्तों जो हमारा अगला फ़ोन है नंबर 4 पे, वो है ओप्पो रेनो 10X जूम। दोस्तों मैं ओप्पो किसी को इतना पर्सनली रिकमेंड नहीं करता, लेकिन ये जो स्मार्टफोन है ये प्राइस पॉइंट पे काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस दे रहा है और इसका कैमरा भी काफ़ी दमदार है और गेमिंग परफॉर्मेंस भी टॉप क्लास है। दोस्तों ये फ़ोन आप लोगों को मिलने वाला है 27,000 rupees में और इसमें भी आपको 1,500 rupees का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा HDFC बैंक की तरफ से। दोस्तों बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा विद हाइपर बूस्ट 2.0, जो कि आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी स्मूथ बना देगा। इसमें आपको सामने 6.6 inches का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिस पे आपको गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। दोस्तों गोरिल्ला ग्लास 6 काफ़ी टफ प्रोटेक्शन है, जो मतलब आपके फ़ोन को स्क्रैच और बाकी सारे नॉर्मल डेंट से बचा सकता है। इसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया गया है। रियर साइड में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। और कैमरास की बात करें तो इसमें रियर में आपको 48+13+8 megapixel के 3 कैमरा देखने को मिलते हैं। 48 megapixel वाला प्राइमरी सेंसर है, 13 megapixel वाला 10x हाइब्रिड जूम वाला सेंसर है और आपको 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर भी देखने को मिलेगा। बात करें सेल्फी की तो इसमें आपको 16 megapixel का राइजिंग शार्क कैमरा देखने को मिलेगा, जो काफ़ी बढ़िया पॉपअप होके आता है आपकी सेल्फीज़ के लिए। दोस्तों अगर आपको ये फ़ोन गाइज एक्चुअली अभी मेरे घर पे सडन पावर कट ऑफ हो गया है, तो मैं आ गया हूँ अपनी बालकनी में वीडियो को शूट करने के लिए, तो आपको आ सकता है बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़, उसको करना प्लीज़ इग्नोर। दोस्तों इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है और इसमें लेकिन आपको 3.5mm का ऑडियो जैक नहीं मिलने वाला है। आपको स्पीकर क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी लेकिन 3.5mm ऑडियो जैक नहीं, और मे बी बॉक्स में भी आपको डोंगल प्रोवाइड नहीं किया गया है। इसमें आपको 4,065 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, जिसको आप 20W सुपर वूक चार्ज 3.0 से बड़े जल्दी चार्ज कर सकते हैं। और अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फोन। दोस्तों जो हमारा अगला स्मार्टफोन है वो है Redmi K20 Pro। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 देखने को मिलता है विद गेम टर्बो 2.0। सामने की तरफ 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है 7th generation का। इसमें आपको 20 megapixel का सेल्फी कैमरा मिलता है, वो भी पॉपअप वाला। रियर साइड में आपको 48 megapixel का प्राइमरी सेंसर मिलता है, 13 megapixel का टेलीफोटो लेंस है और 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर है। इसमें आपको 3.5mm ऑडियो जैक दिया गया है और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी है। इसमें आपको 4,000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है विद 27W का चार्जर दिया गया है, वो भी आपको बॉक्स में चार्जर प्रोवाइड करा रही है कंपनी। दोस्तों इसमें आपको ग्रेफाइट लेयर कूलिंग टेक्नोलॉजी दी गई है। फ़ोन हैंड में लेने में काफ़ी अच्छा फील होता है, इसके फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी अच्छे हैं। हैंड्स ऑन मैंने खुद किया है इस फ़ोन का, फ़ोन काफ़ी अच्छा है यूज़ करने में ये प्राइस पॉइंट पे। और अगर आप HDFC का कार्ड लगाते हैं तो आपको ये फ़ोन लगभग 23,500 rupees में मिल जाएगा। इस सीरीज़ में जो हमारा सेकंड लास्ट फ़ोन है वो है Xiaomi का ब्लैक शार्क 2। दोस्तों ये फ़ोन कंप्लीट गेमर्स के लिए बना है, जिनको इंटेंस गेमिंग करनी है ये लोग वो फ़ोन ले सकते हैं और काफ़ी बजट फ्रेंडली है। ये फ़ोन लगभग आप लोगों को 20,000 के आसपास मिल जाएगा ये सेल में। अभी तक फ्लिपकार्ट ने रिवील नहीं किया इसकी प्राइस, मेरे को लगता है इसकी प्राइस लगभग होने वाली है 20,000 के आसपास। बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 वाला प्रीमियम प्रोसेसर देखने को मिलेगा। सामने की तरफ आपको 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड 240Hz रिस्पॉन्स रेट वाला स्क्रीन देखने को मिलेगा। दोस्तों इसमें आपको सुपर लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी। इसमें आपको 3.5mm ऑडियो जैक नहीं दिया गया है, लेकिन कंपनी ने इसमें आपको बॉक्स में टाइप C2 3.5mm फीमेल ऑडियो जैक भी प्रोवाइड कर दिया है। इसमें कैमरास की बात करें तो इसमें आपको 48+12 megapixel के रियर कैमरास देखने को मिलेंगे और 20 megapixel का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। दोस्तों मेरे को लगता है फ्लिपकार्ट को ना Asus का 6Z भी अपनी सेल में इंक्लूड करना चाहिए था, क्योंकि कई सारे लोग वेट कर रहे थे कि Asus 6Z का प्राइस काफ़ी कम होगा तो हम परचेस कर लेंगे इसको फ्लिपकार्ट की अगली सेल में। मुझे पता नहीं क्योंकि अब तक फ्लिपकार्ट ने ऐड नहीं किया इसको अपनी सेल में, लेकिन अगर जैसे इसकी सेल आती है तो मैं आप लोगों को 22nd June या 23rd June की मॉर्निंग में आप लोगों को वीडियो ज़रूर दे दूँगा।
दोस्तों बात करते हैं मी मिक्स 2 की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इसमें आपको 6 इंचेस का फुल HD प्लस IPS LCD स्क्रीन दिया गया है, वो भी फुल व्यू स्क्रीन है, मतलब स्क्रीन पे आपको कोई भी नॉच या पंच होल देखने को नहीं मिलता। नीचे एक छोटा सा बेजल है जिसमें आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, सेल्फी कैमरा, और एक LED लाइट भी है। दोस्तों इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 835 प्रोसेसर देखने को मिलेगा विद स्पीड ऑफ 2.5 GHz पे क्लॉक किया गया है इसको। रेयर में आपको इसमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है और सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। दोस्तों ये फ़ोन उन लोगों के लिए नहीं है जिनको ये फ़ोन कैमरा के लिए चाहिए। ये फ़ोन का कैमरा इतना टॉप क्वालिटी नहीं है, लेकिन इसमें आपको सिरेमिक बॉडी देखने को मिलती है जो आपको हैंड्स ऑन काफ़ी अच्छी फील देने वाला है, काफ़ी प्रीमियम फील देने वाला है। दोस्तों इसमें आपको 3400mAh की बैटरी मिलती है जो कि अपने टाइम पर बहुत सही थी। लेकिन दोस्तों ये फ़ोन ना मैं इतना पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा। ये फ़ोन है वीवो का नेक्स्ट, क्योंकि ये सेल में था स्नैपड्रैगन 845 के साथ, तो सोचा मैंने इसको मैं अपनी वीडियो में इंक्लूड कर दूँ। दोस्तों इसमें आपको 6.6 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर अंडर डिस्प्ले मिलेगा। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर मिलता है विद एड्रीनो 618 GPU, 4000mAh की बैटरी है और आपको फास्ट चार्जर भी बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों इसमें आपको रियर में 12 प्लस 5 मेगापिक्सल के कैमरा देखने को मिलते हैं और सेल्फी में आपको 8 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा है। दोस्तों इसलिए मैं फ़ोन रिकमेंड नहीं कर रहा था क्योंकि इसका प्राइस है 24,000 और अगर आप कार्ड डिस्काउंट लगा देते हैं तो भी आपको पड़ेगा 22,500 rupees। दोस्तों मुझे लगता है ये अपने प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है। अगर आपको लेना है स्नैपड्रैगन 845 वाला फ़ोन तो आप डेफिनेटली पोको F1 की तरफ देख सकते हैं। दोस्तों अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका कोई भी कमेंट या सुझाव होगा तो नीचे लिखना मत भूलना। मैं मोनिश अरवानी आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।